देखो आज सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। 3999 3999 ये है एक ब्लूटूथ स्पीकर और ये एक साउंड बार जो कि बैटरी से नहीं चलती है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हम ब्लूटूथ स्पीकर लें साउंड बार लें कौन सा ज्यादा बेटर है, क्योंकि बजट सबका सेम ही होता है। अगर आपका रेंज 5000 है तो 5000 में ये भी मिलेगी 5000 में ये भी मिलेगा, लेकिन आपको लेना कौन सा है तो वो एक इशू हो जाता है। अभी इसमें प्रॉपर क्लियर हो जाएगा सब कुछ आपको। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है यहाँ पे क्या है कि ये साउंड बार है ना, इसमें और इसमें एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये पोर्टेबल होता है ब्लूटूथ स्पीकर और ये पोर्टेबल नहीं होती है। ये है बोट स्टोन 1450 और ये है विंग्स की सेंटर स्टेज 1000। ये आती 80 वोट के अंदर और ये 50 वोट। कंपनी क्लेम करती है 40 वोट बट इसका टेयर डाउन किया हमने, वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लेना। एंड ये 50 वोट का है, 30 वोट का फर्क है। ये पोर्टेबल है, ये पोर्टेबल नहीं होता है, ये एक बेसिक फर्क। लेकिन जब आप इसके साउंड क्वालिटी सुनोगे ना, जब आप साउंड सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि सेम प्राइस रेंज में इतने अलग अलग प्रोडक्ट्स कैसे मिल सकते हैं। तो चलो मैं आपको एक साउंड सैंपल सुनाता हूं ना, फिर बात करूंगा कि आपके लिए बेटर कौन सा, और आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो के बाद है ना, आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। देखो साउंड सैंपल ले लेते हैं, दोनों को मैंने कनेक्ट कर लिया। 50-50% वॉल्यूम पे शुरुआत करेंगे, वैसे 50% बहुत हो जाती है बट फिर भी हम 50% वॉल्यूम से शुरुआत करेंगे। मेरी वॉइस थोड़ी सी दूर से आ रही होगी तो उसको थोड़ा अवॉइड करना। एंड हम दोनों में 50% पहले स्टोन से शुरुआत करेंगे, मैं बोट स्टोन से शुरुआत कर रहा हूँ और ग्रेजुअली चेंज करता रहूंगा, तो आप अंदाजा लगा लेना। शुरुआत करते हैं, चलो। फाइनली बात कर लेते हैं अब इनमें से बेटर कौन सा है। अच्छा इसकी बात करते हैं पहले। देखो इसमें RGB वगैरह आती है, बहुत सारी फीचर्स है, ये सारी दी गई है। इसके अलावा ना इसमें आपको मल्टी कनेक्ट का ऑप्शन मिलता है, TWS का मिलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बैटरी बैकअप मिल जाता है, आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हो, इजिली कैरी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको कनेक्टिंग के ऑप्शन सारे मिलते हैं, सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं, सब वूफर साथ में देखने को मिलता है, सब वूफर से ज़्यादा अच्छी लाउडनेस आती है। 4 ड्राइवर मिलते हैं इसमें, आपको सिर्फ 2 देखने को मिलते हैं। इसमें आपको एक स्क्रीन मिलती है जिसमें आपको 3EQ मोड मिलते हैं, ट्रेबल्स वगैरह आप इसमें चेंज कर सकते हो। तो इसमें फीचर्स के मामले में कहीं हद तक ये
ज़्यादा बेटर होती है और कहीं हद तक ये ज़्यादा बेटर होती है। अब इसमें आप न्यूज़ अलग से सुन सकते हो, मूवी अलग से सुन सकते हो और जो न्यू म्यूज़िक है वो अलग से प्ले कर सकते हो, लेकिन इसमें वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया गया है। बट ऐसे स्पीकर्स हैं जिनमें कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है। तो कुल मिला के बात इतनी सी होती है यार, देखो अगर आपको अपने घर के लिए चाहिए ना, पर्सनल घर के यूज़ के लिए, देन डेफिनेटली मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता हूँ, तब आप जाओ इनके लिए, क्योंकि ये ज़्यादा लाउड वॉल्यूम देंगी, ज़्यादा बेस देंगी, ज़्यादा सराउंड साउंड एक्सपीरियंस देंगी और कम खर्चे में ज़्यादा वोट का आप आनंद ले सकते हो। लेकिन अगर आपके गांव में या फिर आपके घर में लाइट की दिक्कत है, या फिर आपको कहीं भी लेके जाना पड़ता है स्पीकर्स को, या फिर आपको पोर्टेबल चाहिए जो कि छोटा सा हो लेकिन ज़्यादा आउटपुट दे, तब आप इन स्पीकर्स के लिए जा सकते हो। तो ये कोई भी पूछने वाली चीज़ है ही नहीं, अगर आपका बजट दोनों का सेम है। देखो मेरी प्रेफरेंस क्या है, मेरे को ब्लूटूथ स्पीकर को भी रख के ही चलाना है, मेरे को कहीं लेके ही नहीं जाना होता इसको, और मेरे को इसको भी रख के चलाना है, तो मैं यहाँ पे इसको ये प्रेफर करूंगा यार। मैं तो देखो पर्सनल अपनी साउंड बार प्रेफर करूंगा, इतनी बड़ी साउंड बार आ रही है, 3-4 मोड्स मिल रहे हैं, आप टीवी से कनेक्ट कर लो, मोबाइल से कनेक्ट कर लो, लैपटॉप से कनेक्ट कर लो और दिक्कत कोई है ही नहीं, और बेस आपको इतना ज़बरदस्त मिल रहा है, ट्रिबल्स आपको इतने अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप जा रहे हो कहीं पे बाहर जाना है, आपको एक कॉम्पैक्ट चीज़ चाहिए, बैटरी बैकअप के साथ चाहिए, फीचर्स के साथ चाहिए, देन आप इसको इस जैसे स्पीकर्स को प्रेफर कर सकते हो। इसकी 50% वॉल्यूम पे ब्लूटूथ स्पीकर की एक सबसे गलत चीज़ होती है, इनकी जो 50% वॉल्यूम होती है ना वो काफ़ी कम होती है, लेकिन इनकी 50% वॉल्यूम भी ना बहुत तेज़ होती है, और 100% वॉल्यूम तो तेज़ होती है, इनका उल्टा है। यहाँ पे क्या होता है कि कम वॉल्यूम पे जब 50% वॉल्यूम होती है तो बहुत डाउन होती है, लेकिन 100% करते हो तो बहुत तेज़ इनकी वॉल्यूम निकल के आती है। लेकिन इनका ऐसा है कि 50% वॉल्यूम पे बहुत तेज़ होती है, लेकिन 100% वॉल्यूम पे बहुत एक्स्ट्रा तेज़ नहीं होती है, एक नॉर्मल ग्रेजुअल बढ़ती है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। बाकी प्राइस देखो, आजकल ये भी उतने महंगे आ रहे हैं और ये भी उतने महंगे आ रहे हैं, दोनों सेम रेंज में आ रहे हैं, बट ये आपके ऊपर है। अगर आपको घर के लिए चाहिए, पर्सनल सिर्फ घर के लिए चाहिए, आपको कहीं नहीं लेके जाना, आपको छोटे मोटे से कोई मतलब नहीं है, आपको बैटरी से कोई मतलब नहीं है, देन डेफिनेटली साउंड सिर्फ आपको अगर आप चाहिए ना, तो आप इनके लिए जाओ, ये बहुत ज्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, पोर्टेबिलिटी भी चाहिए, बैटरी भी चाहिए, कहीं लेके भी जाना है और कॉम्पैक्ट साइज में अच्छा दमदार चीज चाहिए, तब आप इनके लिए जा सकते हो। बाकी आपके ऊपर है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताना आपको ये पसंद है या फिर ये पसंद है। और कंपैरिजन बात करें साउंड क्वालिटी की, तो देखो साउंड क्वालिटी इनमें तेज रहती है, ट्रिबल्स इनमें ट्रिबल्स ज्यादा हाई रहते हैं, इसमें ट्रिबल्स थोड़े से लो हैं, लेकिन इसकी 100% वॉल्यूम पे भी एक सूथिंग साउंड है, आपको कानों में चुभेगी नहीं, बट इसकी 100% वॉल्यूम पे काफी तेज लाउड वॉल्यूम हो जाती है, तो वो थोड़ी बहुत चुभना शुरू हो जाती है। बट इसमें आप ट्रिबल्स कम कर सकते हो, इसके रिमोट के थ्रू ट्रिबल्स कम कर सकते हो और बेस बढ़ा सकते हो। और एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज, इनमें आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो, इसमें कोई रिमोट देखने को नहीं मिलता है, वो भी एक थोड़ा सा इशू है, तो इसको आप दूर से कंट्रोल कर सकते हो, ये आपको पर्सनली कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी आपके ऊपर है, देखो मैंने दोनों बता दिए, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और दोनों परचेस आप लिंक से कर सकते हो। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो है, तो अगर थोड़ी बहुत क्वालिटी ऊपर नीचे हो जाए ना तो माफ करना यार, एंड वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।